आज हम बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष की। अब ये जो रुद्राक्ष होता है, ये रुद्राक्षों में रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष की महिमा ही अलग होती है। हर एक मुखी रुद्राक्ष के अपने अपने लाभ होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, भगवान शिव की कृपा तो उस पर बरसते ही बरसती है, बल्कि जिस भी मुखी रुद्राक्ष को वो धारण कर रहा है, उनसे संबंधित जो भी ग्रह होते हैं, जो भी देवी देवता होते हैं, उनकी कृपा भी उस व्यक्ति पर अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य बरसती है। तो आज हम बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष की। अब सात मुखी रुद्राक्ष की अलग ही महिमा है, ये व्यक्ति को हर एक मुसीबत में से निकाल लेता है। किस तरह से जानते हैं? तो अगर देखा जाए सात मुखी रुद्राक्ष, बहुत लोगों की एक ही समस्या होती है, आर्थिक स्थिति में तंगी। पैसा आता है, रुकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, अटक अटक के आता है, रुक रुक के आता है, या फिर अगर आप कहीं भी धन को निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है और उसका रिजल्ट आपको जीरो मिलता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है, तो सात मुखी रुद्राक्ष आपके लिए धारण करना बहुत ही खास रहेगा। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कोई भी कार्य होते हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं, और ये सभी जो रुकावटें आ रही हैं, ये शनि की वजह से आ रही है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी शनि की साढ़े साती ढैया, या फिर अगर देखा जाए महादशा अंतरदशा चल रही है शनि की, तो सात मुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है। ये शनि के दुष्प्रभावों से आपको बचा सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर के आ सकता है। वहीं पे जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, जिन कार्यों को लेकर के आप बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे थे, तो सात मुखी रुद्राक्ष केवल सात दिन में ही आपको अपना प्रभाव, अपना चमत्कार दिखा देगा। तो सात मुखी रुद्राक्ष की महिमा ही अलग होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में भी ये सुधार लेकर के आता है। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित गठिया की समस्या होती है, या फिर अस्थमैटिक होते हैं लोग, सांस लेने में तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए सात मुखी रुद्राक्ष बहुत ही खास होता है। या फिर अगर आपको अलग अलग तरह के शरीर में दर्द होते हैं, जिसका मेडिकल भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके शरीर की पीड़ा जो है वो भी समाप्त होगी, और इन रोगों से संबंधित अगर आपको कोई भी रोग है तो वो भी आपको समाप्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में भी लाभ मिलेगा, और साथ साथ शनि की अगर आपको दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो लाभ प्राप्त करवाएगा। तो उसके बहुत ही खास बेनिफिट्स होते हैं, इस रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए। और इस रुद्राक्ष को स्पेशली जो लोग लग्न या राशि, अगर मकर या कुंभ है, तो उन लोगों के लिए धारण करना बहुत ही खास रहेगा। शनि की कृपा बरसती रहेगी और आपके जीवन में हर तरह की जो रुकावटें, जो परेशानी, ऑब्स्टेकल्स आपको लगते हैं, वो भी समाप्त होंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। स्पेशली जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर के साथ अगर व्यवसाय करते हैं, तो उनके लिए भी सात मुखी रुद्राक्ष काफी हद तक लाभकारी साबित हो सकता है। तो और भी ऐसे अलग अलग मुखी रुद्राक्ष की हम बात करेंगे, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।